सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप का एक और न्यू अपडेट आ चुका है 20.4। तो इस अपडेट में आप लोगों के लिए चार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। चारों महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से जानेंगे कि इस बार जो बदलाव किया गया है वो क्या क्या है, ठीक है। और जैसे कि पिछला जो अपडेट आया हुआ था 20.3.2, उस अपडेट के करने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारी समस्याएँ आ रही थी। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जैसे ही लॉगिन कर रहे थे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वो खुल के आ जा रहा था। सेविका का या सहायिका का किसी का भी यहाँ पे जो माई प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ था तो वो खुल के आ जा रहा था। तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में अदर काम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने आपको एक टेम्पररी सॉल्यूशन भी बताया था कि आप लोग नेट ऑफ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उस प्रकार की जो समस्याएं थी, अब आप लोगों को इस अपडेट में आप लोगों को नेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की ये समस्याएं 100% ठीक हो जाएगी। तो इस अपडेट को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसमें और भी क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें कि ये जो 20.3.2 का जो अपडेट है, आप लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे, लोगों के सामने इस प्रकार से एक और समस्या देखने को मिल सकती है। जो 00 आप लोगों का जो लाभार्थी है वो दिखा रहा है, तो पोषण ट्रैकर ऐप में बग के कारण ऐसा होता है। और यहाँ पर जैसे ही आप लोग लाभार्थी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी बेनिफिशियरी को ऐड किए रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे। चलिए यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो अपडेट है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आके यहाँ पे वर्जन भी चेक कर सकते हैं। 20.4 का ये न्यू वर्जन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपडेट आई हुई है, चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है। जो फर्स्ट अपडेट है यहाँ पे बता रहा है, इन केस ऑफ AWWM AWH आधार वेरिफिकेशन एरर ए मैसेज इज डिस्प्लेड। जैसा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में सेविका और सहायिका का प्रोफाइल अपडेट कर रहे थे, यानी आधार वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों को एरर का मैसेज देखने को मिल रहा था। और पोषण ट्रैकर ऐप में जब भी लॉगिन कर रहे थे तो आपका बार बार माई प्रोफाइल का जो ऑप्शन खुल के आ रहा था, तो वो समस्या आपकी यहाँ पर अब ठीक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है, चेंज टेक्स्ट टू इज द चाइल्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन 6 months to 3 years कैटेगरी। जैसे कि 3 से 6 साल वाले जो बच्चों की कैटेगरी है, वहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज को चेंज किया गया है। आप लोगों को आगे उस पोषण ट्रैकर ऐप में दिखाएंगे क्या मैसेज चेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है, इन केस ऑफ आधार इज वेरीफाइड आधार नंबर ऑफ AWW and AWH विल बी मस्ट। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपना प्रोफाइल अपडेट की है, उनका यहाँ पे जो आधार है उसको छिपा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो अपडेट है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो बग होती है, जो प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेते हैं। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे अपडेट वाले पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए, हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ओपन वाले पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहले अपडेट की बात करें, तो जो आप लोगों को हमने बताया कि आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है वो खुल के आ जा रहा था, तो अब आप लोगों को वो समस्या नहीं होगी, आपकी समस्या यहाँ पे ठीक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग दूसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा अपडेट आया हुआ है, यहाँ पर बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पर 6 से 3 साल के जो बच्चों की कैटेगरी है, यहाँ पर हम लोग उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर किसी एक बच्चे के 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक जो मैसेज चेंज किया गया है, जैसे कि यहाँ पे पहले जो मैसेज दिखा रहा था इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, उस मैसेज को यहाँ पे हटा के अब जो यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है इज़ द चाइल्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। यानी कि यहाँ पे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा था क्या बच्चा ठोस आहार पे है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस और नो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ है कि इज़ द चाइल्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि क्या बच्चा अनुपूरक आहार ले रहा है, उसको यहाँ पे यस और नो करना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है, बस यही जो मैसेज है उसको यहाँ पर बदल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरे अपडेट की ओर बढ़ेंगे। जो तीसरा अपडेट है, आप लोगों को यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जैसा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो प्रोफाइल अपडेट है उसमें आप लोगों को ये तीसरा अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने अगर अपना आधार वेरिफिकेशन कम्प्लीट कर लिया है तो जो आपका आधार नंबर है उसको हाइड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का माई प्रोफाइल का ऑप्शन जो है खुल के आ चुका है और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका जो आधार वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो आधार नंबर आपने डाला होगा उसको यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनका भी अगर प्रोफाइल अपडेट हो चुका होगा तो यहाँ पे जो उनका आधार नंबर है उसको हाइड कर दिया गया है। उसके बाद जो चौथा
चौथा अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स किया जाता है। बट हम शुरू में ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाए थे जो पिछला अपडेट है, जिसमें कि आप लोगों के जो लाभार्थियों की संख्या है यहाँ पे 0-0 दिखा रही है। अपडेट करने के बाद भी ये समस्या आप लोगों की ठीक नहीं हुई है, बट ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी लाभार्थियों की कैटेगरी को ओपन करेंगे, जितने भी लाभार्थी आपने ऐड किया है वो लाभार्थी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में ये 4 महत्वपूर्ण अपडेट आई थी, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।